देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मोबाइल ग्राहकों को डमी मोबाइल थमाकर बेवकूफ बनाने वाले चलते फिरते गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग से मोबाइल फोन, डमी कांच के शीशे और मोटरसाइकिल समेत नकदी बरामद की है। आपको बता दें कि उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने मोबाइल ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये शातिर असली मोबाइल दिखाकर मोबाइल की डमी ग्राहक को थमा देते थे। इनके कब्जे से मोबाइल और डमी फोन बरामद किए गए हैं। ये शातिर भोले भाले लोगों को मोबाइल बेचने के नाम पर कवर में कांच का शीशा थमा देते थे। मुखबिर की सूचना पर रात्रि गश्त पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 संदिग्ध आ रहे हैं। आरोप था कि ये लोग मोबाइल बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। पुलिस ने जाल बिछाया और 4 युवकों को पकड़ लिया। पुलिस के इनके पास से 22,000 रुपए, मोबाइल कवर में कांच के शीशे, मोबाइल की डमी और 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि चारों युवकों ने मछली बाजार और ट्रांजिट कैंप निवासी प्रवीण मोर्य को भी अपना शिकार बनाया था। शातिर युवक बड़ी सफाई से दिखाए गए मोबाइल ग्राहक को ना सौंप कर कांच के शीशे वाले कवर का डब्बा थमा देते थे। इसके बाद ये युवक मौके से फरार हो जाते थे। आरोपी युवकों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आ रहा है। आरोपी पकड़े हैं और क्या मामला है? देखिए, ये ट्रांजिट कैंप थाने का मामला है। यहाँ पर कुछ दिनों से लगातार शिकायत आ रही थी, 2-3 दिनों से, कि कोई एक गैंग घूम रहा है जो लोगों को महंगे मोबाइल दिखा के उनकी जगह पर डमी या कुछ कांच के टुकड़े कुछ कवर में डाल के इस तरह से दे के ठगी करके चला जा रहा है। तो इन लोगों ने आज अपने आदमी लगाए तथा 4 मुलजिमों को इसमें गिरफ्तार किया है। ये चारों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और उसमें से 2 पहले भी यहाँ से और हल्द्वानी से जेल जा चुके हैं और बाकी लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री देख भी रहे हैं। ये बेसिकली लोगों को महंगे जो वीवो ओप्पो के और सैमसंग के जो महंगे मोबाइल पहले दिखाते हैं, फिर बाद में उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए उनको या तो डमी या कांच के टुकड़े कवर में डाल के दे के चले जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक अनट्रेडिशनल काम किया है, जिसके लिए पूरी टीम उनकी बधाई की पात्र है। सर, अब कितने मोबाइल ऐसे और बरामद किए हैं अभी तक? या डमी बरामद किए हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास 5-6 शिकायतें आई थी, तो उसमें से जो 6 शिकायतें थी वो 6 के हमने जो डमीज वगैरह और जो कांच के टुकड़े जो भी उनको देखे गए थे उस तरह की हमने उनके बरामद कर ली है। साथ ही साथ इन्होंने जितने रुपये में इनको बेचा भी था, लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये लास्ट के 2 केसेज में हुए थे, तो वो भी हमने इनके कब्जे से बरामद किया। सर, रहने वाले कहाँ के और क्रिमिनल हिस्ट्री? ये मैंने बताया, ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, खालापार एरिया के रहने वाले हैं और इनका पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे एरिया में भी है। इसमें एक यहाँ रुद्रपुर से ही पहले ठगी में जा चुका है, इसके अलावा एक हल्द्वानी से पहले इसमें क्राइम में जेल जा चुका है। बाकियों का हम वहाँ से खालापार से पता करेंगे।